हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 12 से, और उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छे से पेन कॉपी लेके सब लोग बैठिएगा, और जो भी थोड़ी बहुत चीजें आपको जो है नोट करनी हो नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज इसका पीडीएफ स्कैन इसमें लिंक में जाएगा, तो आप वहां से अच्छे से अपना एक नोट्स बना के जरूर लिखते रहिएगा। तो इस चैप्टर को देखो, शुरू इसलिए मैंने किया कि ये वाला जो पोर्शन है सोल्यूशन वाले में, इस वाले चैप्टर से इस वाले टॉपिक से अपने को सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन, सोल्यूशन बनता कैसे है, और फिर आपको पढ़ना है सेकेंड की टाइप ऑफ सोल्यूशन, कितने टाइप का सोल्यूशन होता है, और फिर अपने को पढ़ना है सोल्यूशन बनने की क्या कंडीशन होती है ना, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, ये हो गया इसका तीसरा टॉपिक है ना, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। और फिर हम लोग इसी टॉपिक के पार्ट में पढ़ेंगे फोर्थ है ना, और वो है अपना कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स, अब देखो ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी इलेवंथ रिवाइज करेंगे तो इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन होता क्या है ना, याद है सबको। अब तो क्या पढ़ते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर को बहुत अच्छे से पिछले साल में आपने इलेवंथ में पढ़ा था, और हमने पढ़ाया भी था तो आपको याद होगा नो डाउट। फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन को भी इलेवंथ में अच्छे से डील किए थे, आप याद करिए। टाइप ऑफ सॉल्यूशन को सबसे पहले क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट कैसे बताए थे, आपके जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं, जब हम लोग दो सॉल्यूशन मिक्स करना है, आपने डेफिनेशन पढ़ी कि वन आपको क्या करना है, टू और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करके एक सिंगल सॉल्यूशन बनाना है। और सॉल्यूशन के लिए एक बात थोड़ी बहुत यहाँ हम लोग लिखना शुरू करेंगे स्टार में, या नोट करके आप लिखना शुरू कर देंगे, बाकी लेवल वाली कॉपी अच्छे से रिवाइज करिएगा। जैसे पहला टॉपिक आप स्टार बना के लिखते हैं कि जो भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं ना, ये सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज सिंगल फेज सिस्टम है ना, कई कॉम्पिटिशन में आए ही नहीं, तो आप पहले इस लाइन को अच्छे से नोट कर लीजिए कि आपका जो सॉल्यूशन होता है ना, ये सिंगल फेज सिस्टम होता है, सिंगल। तो देखो हम लोग यहां तक पहुंचे थे, सॉल्यूशन एंड सिंगल फेज, जो है आपका सॉल्यूशन सिंगल फेज सिस्टम होता है, इसकी मीनिंग अपन आज डिस्कस करते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है, जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन को जब हम लोग क्लासीफाई किए थे, तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो क्लासिफिकेशन जब हम लोग सॉल्यूशन का करते हैं, तो बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन आपके बनते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन एक्चुअली में, ठीक ना, पहला टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे, और ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन आप जानते ही हैं, बाइनरी मतलब क्या, टू है ना, तो मतलब क्या हो गया कि ऐसा सॉल्यूशन, छोटा सा डेफिनेशन यहां लिखता हूं, अ सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट, अ सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन आपका कंपोज्ड होगा है ना, कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। फिर थर्ड सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे, तो सेकेंड अपने पास जो सॉल्यूशन है वो है आपका टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, टर्नरी सॉल्यूशन, मैं इसको लिख देता हूँ टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन देखो क्या होता है बेटा जी, है ना, टर्नरी देखो नाम में है ना, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, छोटा छोटा लिख देता हूँ, आप समझदार है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो कि थ्री कंपोनेंट अगर हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कि सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स कॉल्ड एज टर्नरी सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, है ना, नेक्स्ट टाइप है आपका क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करेंगे, तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन देखो क्या है, अ सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ फोर कंपोनेंट, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चार कंपोनेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। इसके बाद देखिए क्या है कि हम लोग जब
पूरे सोल्यूशन की स्टडी करना शुरू करते हैं तो होता क्या है ना, ये जो बाइनरी सोल्यूशन है अपने सिलेबस में सिर्फ यही सोल्यूशन है। तो जैसे बाइनरी सोल्यूशन में जो दो कंपोनेंट होते हैं वो अपने को अब आना चाहिए। तो जो भी अब फर्दर क्लासिफिकेशन या सोल्यूशन की हम लोग स्टडी करेंगे उसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि ये सोल्यूशन है, लेकिन आप उसको समझिएगा कि वो सोल्यूशन कौन सा है, बाइनरी सोल्यूशन। यानी पूरा चैप्टर अब इसी बाइनरी सोल्यूशन के लिए अपने को डील करना है, ठीक है ना। बाइनरी सोल्यूशन के लिए हमें अब सारा चैप्टर की डीलिंग इसी चैप्टर, इसके जो भी चैप्टर की चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी है, वो अपन बाइनरी सोल्यूशन के लिए ही पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन पता ही है आपको, दो कंपोनेंट होता है। देखो एक्चुअली में जो बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट क्या होता है तुम्हारा सोल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट अपना क्या होता है सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं, और दोनों जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो सॉल्यूशन। तो अब यहां से फिर अब देखो यहां पे क्या बोला मैंने कि सॉल्यूशन सिंगल फेज सिस्टम है। अब सिंगल फेज का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो अगर आप वाटर ले लो, और वाटर में आप क्या करो कि सॉल्ट और जो है शुगर दोनों मिक्स कर दो, तो सॉल्ट और शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, और जब डिजोल्व हो जाएगा तो आप देखो जो सोल्यूशन बनेगा वो एक ही फेज में रहेगा, और उस सोल्यूशन की फेज क्या होगी, लिक्विड, क्लियर। तो जितने भी सोल्यूशन आप बनाएंगे, सोल्यूशन हमेशा सिंगल फेज सिस्टम होता है। तो आप सोल्यूट और सॉल्वेंट पहचानते कैसे हैं, है ना, इसकी डेफिनेशन भी देखो आपको मैंने पिछले साल बताई थी, सोल्यूट गेट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, क्या पढ़ा था, सोल्यूट गेट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये तो डेफिनेशन थी, और सोल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने के तरीके आपको मैंने बताए थे पिछले साल। एक तरीका था आपका जिसको हम लोग बोलते थे अमाउंट मेथड, और अमाउंट मेथड में ये था कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए लगाना है, और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं, जिसका अमाउंट कम होता है सॉल्यूशन में, जिसके जिस भी कंपोनेंट का अमाउंट कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसका भी अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। सेकेंड में अब देखो फर्स्ट मेथड में बहुत सारे ड्रॉबैक है, मैंने उस साल भी आपको बताया था, जिसे मान लो मैं ले लूं एक लीटर पानी, और मैं लूं जो है, और हम लोग ले लेते हैं वन स्पून मान लो सॉल्ट ले लिया, तो वन स्पून सॉल्ट डिजोल्व करिए पानी में डालिए, डिजोल्व कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सॉल्ट का अमाउंट कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट वाटर वन लीटर बहुत ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि जो सॉल्ट था वो सोल्यूट था और जो वाटर था वो आपका सॉल्वेंट था। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे बोलूं आपसे कि आपके पास 10 kg सॉल्ट है और 1 ml वाटर है, तो अब मैं बोलूं कि चलो हमने सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया, बताइए कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। और अगर आप यहाँ पे अमाउंट मेथड लगाएंगे तो आपको लगेगा यार सॉल्ट का अमाउंट तो बहुत ज्यादा 10 kg है और वाटर 1 ml है, तो सॉल्वेंट अपना सॉल्ट हो गया और सोल्यूट अपना लिक्विड हो गया। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है, आप इसको इस बात को जरा बोल के देखिए, ठीक है ना, बोलिए कैसे, से नमक पानी में डिजोल्व होता है, ये बोलना सॉल्ट डिजोल्व इन लिक्विड, ये बोलना देखो ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, और इसके उल्टा अगर मैं बोलूं वाटर डिजोल्व इन सॉल्ट, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो दूसरा मेथड है उसके अकॉर्डिंग फेज बताना सबसे अच्छा रहता है। तो फेज मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। फेज मेथड देखो बोलता है क्या, मैं बस ये लिखूंगा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो होते हैं ना ये दोनों हमेशा सेम फेज में होते हैं, ये अच्छी सी डेफिनेशन है, ठीक ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का एक तरीका जो है ये फेज मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूशन चाहे जो भी बने उसमें करना क्या है आपने को, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को जो फेज होती है वो हमेशा सेम होती है। अब देखो आप पानी में चाहे जो भी डिजोल्व करिए, अगर सॉल्यूशन बनेगा तो उसकी फेज लिक्विड ही रहा करेगी। सॉरी तो अब हम लोग देखो इसके आगे पढ़ते हैं, सोल्यूशन को हम लोग क्लासीफाई कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ फेज। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज। टाइप ऑफ सोल्यूशन मतलब अब जितने भी सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे वो सोल्यूशन हम लोग बाइनरी पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज, तो ये भी आपको पिछले साल बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एनसीईआरटी 12th लटिएगा, पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ, वहां पे एक टेबल बना हुआ है, बस मैं सोल्यूशन के नाम लिख दे रहा हूँ और उसके एग्जाम्पल अच्छे से आप घर पे थोड़ा उसकी बुक में एनसीईआरटी में अच्छे से देख के और कॉपी कर लीजिएगा। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फेज हम लोग जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहला सोल्यूशन हमारे पास आता है, देखो मैं सीरियल नंबर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अपने को सोल्यूट कौन सा लेना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अपने को सॉल्वेंट कौन सा लेना है, और फिर हम आप यहाँ लिख देते हैं कि जो सोल्यूशन बनेगा वो आपका सोल्यूशन का नाम क्या होगा,
ठीक है ना, और इस सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या होंगे, ये टेबल आपको हर बुक में एनसीईआरटी 12th की मिल जाएगी या और कोई भी बुक को आप देख लीजिएगा। तो अब देखो बेटा, बेसिक ये मिल गई कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये दोनों हमेशा सेम पेज में रहेंगे, ठीक है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हमेशा किस पेज में रहेंगे, सेम पेज में रहेंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है, ठीक है ना, यानी जितना भी सॉल्यूशन का नाम होगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट की फेज पे। क्लियर, जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का नाम या टाइप इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट का फेज कैसा है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्वेंट ले लेते हैं, सॉलिड, सॉल्वेंट क्या ले लिया हम लोग, सॉलिड। तो आप देखो, सॉल्यूट को अपने पास चूज करने का ऑप्शन है, मैं चाहूं सॉल्यूट ले लूं सॉलिड, सॉल्यूट क्या लिया मैंने, सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, देखो सॉलिड सॉल्यूशन ही रहेगा। अब इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो आप देखो शायद पढ़े थे, याद करिए 10th में, एलॉय क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ जो है मेटल एंड मेटल, या मेटल भी सॉलिड और दूसरा वाला मेटल भी सॉलिड, तो एलॉय इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब एलॉय आप जानते ही हैं थोड़ी बहुत चीजें, एक बार घर पे और एग्जांपल इसके कॉपी कर लीजिएगा एनसीईआरटी पढ़ के। अब देखो दूसरी बात, हमने क्या किया, सॉलिड सॉल्वेंट तो सॉलिड ही रहने दिया, अपने पास चॉइस थी ना, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो चाहूं तो मैं सॉल्यूट सॉलिड ले लूं, और चाहूं तो मैं सॉल्यूट क्या ले लूं, देखो लिक्विड ले लूं, एक टाइप का ये सॉल्यूशन हो गया। जैसे देखो आपको बहुत सारे लग रहा होगा कि लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व करें तो कौन सा सॉल्यूशन बन सकता है, तो नाम तो देखो सॉल्वेंट ही है, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, तो नाम तो इसका रहेगा सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं एग्जांपल पूछूं आपसे, तो शायद कुछ बच्चे सुने होंगे ऑर्गेनिक में सोडियम अमलगम है ना, इनऑर्गेनिक में भी काम करता है सोडियम अमलगम, है ना, मरकरी के साथ में। एस ब्लॉक में थोड़ा बहुत देखो आपको बताया था मैंने, ये आपका रिएक्शन जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ट्वेल्थ में तो उसमें भी काम आएगा। तो सोडियम अमलगम मरकरी और देखो सोडियम का सोल्यूशन अपन किधर रख देते हैं, लिक्विड और सॉलिड के सोल्यूशन में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है ना, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं हम लोग सॉलिड। अब देखना ध्यान से, सॉल्वेंट सॉलिड है तो जो सॉल्यूट था उसको सॉलिड ले लिया, लिक्विड ले लिया, और थर्ड हम लोग यहां चाहें तो क्या ले सकते हैं, देखो गैसेस ले सकते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, तो अब सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड है तो गैस जो है सॉलिड में अगर मिक्स करेंगे हम लोग तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन। अब एग्जांपल की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग देखो जानते होंगे आप लोग, है ना, हाइड्रोजनेटिंग कैटलिस्ट, मेजर लिख देता हूँ आप याद करिए, हाइड्रोजन जो होती है वो निकल के सरफेस पे क्या होती है, एड्सॉर्ब होती है। आप याद करो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक में मैंने बताया था, जो भी ट्रांजिशन मेटल होती है वो कैटलिस्ट का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल वहां मैंने लिखा था हाइड्रोजनेटिंग कैटलिस्ट, है ना, हैवर्स प्रोसेस में आयरन का काम करता है, तो इस टाइप से ढेर सारे कैटलिस्ट हम लोग बोल सकते हैं। चलिए इसके कंटिन्यू में देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट को लेते हैं लिक्विड, तो सॉल्वेंट हम लोग अगर लिक्विड ले लें तो फिर से वही देखिए, फोर टाइप का सॉल्यूशन, 5 और 6, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, मैं चाहूँ तो सॉल्यूट क्या ले सकता हूँ, देखो सॉलिड, सॉल्यूट क्या लिया मैंने, सॉलिड। लेकिन सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन ही रहेगा, क्योंकि देखो पहली लाइन आप याद रखिए, फेज ऑफ सॉल्वेंट एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज क्या रहेगा, सेम, ठीक ना, इन दोनों की फेज हमेशा रहती है सेम। अगला देखो हम लोग सॉल्वेंट कर लेते हैं, नेक्स्ट अपना सॉल्वेंट है क्या, लिक्विड। अब लिक्विड ले लिया तो दूसरा जो सॉल्यूट हम लोग ले लेते हैं वो भी क्या ले लेते हैं हम लोग, लिक्विड। लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, है ना, बोलो उस सॉल्यूशन का नाम क्या रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के सारे एग्जांपल आप जानते हैं ना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है करते ना भाई, देखो नींबू पानी, नींबू लिया पानी मिलाया नींबू पानी पी लिया, है ना, रुआब्जा लिया वो भी लिक्विड होता है, पानी में डिजोल्व किया मिक्स करके पी गए, तो ये सब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के ही एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल आपको याद आ गए होंगे दिमाग में। अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सॉल्वेंट हम लोग क्या लेते हैं, लिक्विड, सॉल्वेंट हम लोग क्या लेते हैं, लिक्विड, तो सॉल्यूट हम लोग क्या ले लेते हैं, गैसेस, है ना। अब देखो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इस सॉल्यूशन का नाम रहेगा लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो गैसेस जो है लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं, बहुत बचपन से आप सुनते चले आ रहे हो, देखो है ना, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर, पढ़ा था ना सबने, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो रहती है वो वाटर में डिसॉल्व रहती है, अब जब ठंडा पानी है तब तो ज्यादा डिसॉल्व रहेगा,
पानी अगर गर्म होगा तो मॉलिक्यूल तुम्हें अच्छे से पता है भागेंगे दूर। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा किसमें है, वाटर में, और कम किसमें है, गैसेस में। तो जो गैसेस है यानी जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इस वजह से अपन क्या बोलते हैं कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा अच्छे से रहती हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर। क्लियर? चलिए सॉरी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्वेंट को हम लोग ले लेते हैं गैसेस। अब ये लार्ज टाइप का सॉल्यूशन बचा है फेज के बेसिस पे, एग्जांपल मैं लिख नहीं रहा हूं तो प्लीज एनसीईआरटी जरूर देख लीजिएगा और अच्छे से ये टेबल वहां पे बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला, अपने पास जो सॉलिड है ना, जो सॉल्यूशन है, हम लोग क्या करते हैं सॉल्वेंट ले लेते हैं गैस। अब देखो सॉल्वेंट जैसे ही गैस हुआ तो सॉल्यूट सॉलिड ले लिया मैंने, लेकिन ये जो सॉल्यूशन का नाम होगा ना, ये सॉल्यूशन का नाम या टाइप जो भी आप पूछे तो वो सॉल्यूशन का नाम कैसा रह जाएगा तुम्हारा, गैसेस सॉल्यूशन। यहाँ भी देखो हम लोग क्या करते हैं सॉल्वेंट अगर गैस लेते हैं तो सॉल्यूट लिक्विड ले लिया, लेकिन जो नाम होगा वो नाम क्या रहेगा, देखो गैसेस सॉल्यूशन। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अगर हम यहाँ गैस ले लेते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन जो भी बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा तुम्हारा, गैसेस सॉल्यूशन। तो ये ढेर सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए, ढेर सारे आपको टाइप बता दिए मैंने, एग्जांपल तो नहीं, आप खुद घर पे देख लीजिएगा, थोड़े बहुत तो मैंने ही बोल दिए, आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हो गया अपना टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन आपके इतने टाइप के होते हैं। इसके बाद देखो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आपको पढ़ना है, और 11th का टॉपिक अगर आप याद करो थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म वाला, उस टाइम पे आपको मैंने थोड़ी बहुत चीजें बताई थी। ऐसे मैं एक बार जल्दी रिवाइज कर देता हूं। देखो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो जब तक सॉल्यूट लिक्विड में डिसॉल्व होता है तब तक सॉल्यूशन क्या रहता है, अनसैचुरेटेड। अब जब सॉल्यूट का डिसॉल्व होना लिक्विड में बंद हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या हो गया तुम्हारा, सैचुरेट हो गया। और सुपर सैचुरेट, सुपर सैचुरेशन इज द स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जब भी आप कोई सॉल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व करो और प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाए तो हम लोग उस बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन की सुपर सैचुरेटेड स्टेट है। ये लाइन याद रख रहिएगा, सुपर सैचुरेशन इज द स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। बात क्लियर हो गई? चलिए ये हो गया थोड़ा सा टाइप एनसीईआरटी का पहला दूसरा पेज। इसके बाद हमें देखो एक चीज पढ़नी है थोड़ी से एनसीईआरटी से हट के, एक ना कॉम्पिटिशन के लिए इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा। जैसे आपसे कभी भी पूछता है, जैसे अपने पास लिक्विड है ना, आप देखिए मान लो मेरे पास लिक्विड ए है और हम लोग क्या करते हैं लिक्विड बी है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए अपने को पूछता है, देखो जैसे आपने नाइन्थ में अगर याद करो तो नाइन्थ में आपने पढ़ रखा था कि जो ऑयल होती है वो वाटर में मिसबिल होती है ना, मिसिबल इमिसिबल, याद है, ठीक। वो अपने को यहां सीखना है कि एक्चुअली में कौन से लिक्विड मिसिबल होते हैं और कौन से लिक्विड अपने इमिसिबल होते हैं, कैसे पता चलेगा अपने को, अभी दो मिनट में देखो सीख जाओगे। एक चीज और थोड़ा मैं आपको रिवाइज मार दूं, देखो बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट तो हो गया तुम्हारा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट हो गया सॉल्वेंट। तो आपको दिमाग में रहो टर्नरी में तो तीन कंपोनेंट है तो उनके भी नाम पता होने चाहिए, या क्वार्टरनरी में अपने पास चार कंपोनेंट है तो उनके भी नाम पता होने चाहिए। तो आप बस नॉलेज के लिए रखे रहिएगा टर्नरी सॉल्यूशन में, ठीक है ना, चाहे बाइनरी हो चाहे जो है आपका टर्नरी हो और चाहे क्वार्टरनरी हो, टर्नरी में तीन कंपोनेंट है लेकिन उसमें से दो कंपोनेंट सॉल्यूट का काम करेगा और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का। क्वार्टरनरी में क्या होगा कि तीन कंपोनेंट सॉल्यूट का काम करेंगे और एक कंपोनेंट जो होगा वो किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। मतलब सारे सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं भाई, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे टर्नरी का एग्जांपल देखो, मैं क्या करूं पानी ले लूं और पानी में सॉल्ट और शुगर दोनों मिला दूं तो दोनों डिसॉल्व कर गए ना, तो सॉल्ट और शुगर सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा बच्चों वाली चीजें हैं ये, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखो कोई लिक्विड आपको दे दे और फिर बोलेगा कि लिक्विड बताइए मिसिबल है कि इमिसिबल है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपने को देखो बहुत आसान सा तरीका है, सिर्फ न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल के देखो क्या करते हैं हम लोग, जो भी लिक्विड है आपका कैपिटल ए, देखो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होगा तभी तो आपस में जुड़े रहेंगे। अब जो लिक्विड ए है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूल में कितना इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन है, अच्छे से याद रखे रहिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन। क्या करेंगे हम लोग,
इंटरमॉलिकुलर इंट्रैक्शन। कई बार आपको मैं बोला कि अट्रैक्शन और इंट्रैक्शन वर्ड क्यों जोड़ते हैं अपन, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इनका जो फोर्स होता है आपस में, हो सकता है अट्रैक्शन का हो और हो सकता है रिपल्शन का हो, डिपेंड किस पे करता है, ओरिएंटेशन। फिर से एक बार चौथा रिवाइज मान लो, देखो जैसे मान लो ये मिथाइल क्लोराइड का मान लो मैंने लिक्विड लिया, तो एक मॉलिक्यूल ऐसा है और अगर दूसरा वाला मिथाइल मॉलिक्यूल ऐसा है, या मान लो एक मिथाइल मॉलिक्यूल ऐसा है और दूसरा वाला मिथाइल मॉलिक्यूल आपका सीएल और ऐसा मान लो CH3 है, तो आप देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा है ना, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, और यहाँ अगर देखो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, रिपल्सन वाला। तो अट्रैक्शन बोलना या रिपल्सन बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, ए जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन निकाल लेंगे, निकाल के लेंगे, गिवन रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। और इस इंटरेक्शन की एनर्जी, इस इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख देते हैं इंटरेक्शन ना, ए और ए का इंटरेक्शन कितना है, ई ए ए। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा लिक्विड है बी, इसके भी मॉलिक्यूल में जो भी इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ई बी बी, है ना। अब हम लोग क्या किए, देखो दोनों मिक्स कर दिए, तो जब दोनों तुमने मिक्स कर दिए तो आप देखो जरा ध्यान से, हुआ क्या, कंटेनर के अंदर अपने पास दोनों लिक्विड आ गए, ये मान लो अपना आ गया लिक्विड ए, ये मान लो अपना लिक्विड ए, और ये मान लो अपना क्या आ गया इसी कंटेनर के अंदर लिक्विड बी। अब तो क्लियर हुआ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ भी इंटरेक्शन है और यहाँ जो इंटरेक्शन आता है, इस इंटरेक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं, वो इंटरेक्शन का नाम है इंटरेक्शन ए और बी। इंटरेक्शन ही बार बार बोल रहा हूं मैं, याद रखना, क्योंकि इंटरेक्शन ही सबसे अच्छा है भाई, इंटरेक्शन रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पे, खत्म कहानी। इसके बाद करना क्या है आपको, देखो ये डेटा गिवन रहेगा, ये डेटा गिवन रहेगा, इवन ये डेटा भी गिवन रहेगा, और फिर आपसे पूछेगा बताइए दोनों लिक्विड मिसिबल है कि दोनों लिक्विड इमिसिबल है, तो अपने को देखो क्या करना है, सिंपल सा फार्मूला, टू टाइम्स, ठीक है ना, आप क्या करिएगा, टू टाइम्स इंटरेक्शन कर लीजिएगा ए और बी का, और माइनस क्या कर देना है इसमें से, आप जो इंटरेक्शन है ए ए का जो भी इंटरेक्शन है, और प्लस जो तुम्हारा बी बी का इंटरेक्शन है, इन दोनों से आप ये वाला मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप देखो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो दो नंबर का डिफरेंस जीरो हो सकता है, या दो नंबर का डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ साइन बना दे रहा हूँ, दो नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव हो जाएगा, या दो नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखे रहिएगा जिन भी लिक्विड के लिए, ठीक है ना, जिन भी लिक्विड के लिए आपका इंट्रैक्शन का ये वाला डिफरेंस फॉर्मूले से, ठीक है ना, मिक्स हो जाए और इसका लेस देन जीरो आ जाए, तो आप बोलेंगे ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड एक दूसरे के क्या है, इमिसिबल, ये दूसरे के एक दूसरे के क्या है, इमिसिबल। और जो भी लिक्विड जीरो या ये रखेगा, तो आप देखिए ध्यान से, ये दोनों के लिए कंडीशन होती है कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहां से जो भी आपका लिक्विड रहेगा ये क्या रहेगा, मिसिबल, ठीक है ना, लेस देन जीरो है तो इमिसिबल, और अगर इक्वल टू जीरो है तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि ये लिक्विड आपके पार्शियली मिसिबल होंगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे मिसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है, मतलब जैसे जैसे ये मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाता है, पॉजिटिव आता चला जाएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा वो लिक्विड मिसिबिलिटी से बढ़ते बढ़ते किधर चला जाएगा, मिक्सबल यानी आपस में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ऑयल और लिक्विड आपस में मिसिबल होते हैं, ना कि आपस में सॉल्वल होते हैं। तो अच्छे से याद रखे रहना कि एल्कोहल ना, एल्कोहल और वाटर आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वाटर और ऑयल आपस में कैसे रहते हैं मिसिबल, ठीक ना। अब एल्कोहल और वाटर आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं कैसे, पता सबने देखा भी होगा, बंद बहुत सारे लोग भाई जो भी जानते हो ना, एल्कोहल और वाटर डिसॉल्व करके समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, फट से आंसर बोल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया कि आपके जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, जो आपके लिक्विड हैं, दो लिक्विड पर आप मिक्स करेंगे तो दोनों लिक्विड में ये कंडीशन अच्छे से याद रखते रहना, ठीक है ना, पार्शियली मिसिबल, मिसिबल और इमिसिबल। वैसे पार्शियली मिसिबल से अभी तक न्यूमेरिकल नहीं आया, मिसिबिलिटी से आ चुका है, दो लिक्विड मिसिबल होते हैं, इमिसिबल होते हैं, कैसे चेक करते हैं, इस वाले मैग्नीट्यूड से।
समझ में आ गया। चलिए तो ये सॉल्यूशन का एक पार्ट और थोड़ा हम लोगों ने पढ़ लिया कि सॉल्यूशन में कैसे चेक करना है लिक्विड सॉल्यूशन में कि कौन से लिक्विड मिसिबल हैं और कौन से लिक्विड तुम्हारे इनमिसिबल हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखो क्या पढ़ना है सॉल्यूशन के चैप्टर में, ये सॉल्यूशन के चैप्टर में फिर अपने को अगर मैं आगे बढ़ूं तो पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म देखो आपने 11th में पढ़ रखा है तो मुझे नहीं लगता है इसको मैं बार बार बोलूं, है ना। एक बार कॉपी कर रिवाइज कर लीजिएगा, इसकी सीट मैं आपको लिंक में दूंगा और उस पे आप सीट के प्रॉब्लम बनाइएगा कंसंट्रेशन टर्म के। 11th में भी दी थी सीट आपको, 12th में भी दे दूंगा। आप एक बार उसको सॉल्व करिएगा, आपकी जो भी क्वेरी होगी आप ग्रुप में मैसेज करिएगा और हम लोग वहीं पे डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है ना। और इसके साथ में टाइट्रेशन पढ़ने हैं तो जितने भी टाइट्रेशन है, डबल टाइट्रेशन है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। देखो जो लोग बैच 2 में हैं, है ना, कंसंट्रेशन टर्म जो 1 में था वो मैंने पढ़ाया था, आपके भी क्लास में रिवाइज करा दूंगा, लॉकडाउन खत्म हो जाए दीजिए, बाकी सीट में दे दूंगा तो आप उसके प्रॉब्लम बनाइएगा, बहुत सारे सॉल्व कर लोगे, आप टेंशन मत लो। और जो नहीं आएगा आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, मैं सारे सॉल्यूशन भेजूंगा। तो अब यहां से अपन को ध्यान से दोनों बैच वाले यहां से अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए सबसे पहली चीज, अब हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ये सब हो चुका है। अब हमें पढ़ना है कि हम अगर सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करें तो कितने टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने का अपने पास सबसे आसान तरीका है, ठीक है। एक अच्छे से ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, एक ऐसा ले लिया, ये मान लो इसके अंदर मैंने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अरेंज कर दिए। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आपको अच्छा पता है सॉलिड को हमेशा हम लोग कैसे मानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल स्फीयर जैसा होता है, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बहुत बचपन से सीखते आ रहे, 9th में भी आप पढ़े थे। तो ये मान लो हमने क्या किया कि सॉलिड का एक सॉल्वेंट ले लिया और ये सॉलिड सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये मान लो अपना सॉलिड का एक सॉल्वेंट हो गया भाई, ये सब सॉल्व जो है अपना सॉल्वेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट ले आते हैं मार्केट से, जरा ये मान लो अपना क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है अपना, ठीक है ना। और हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ से ले आते हैं सॉल्यूट, है ना, मार्केट गए और अपने हम लोगों ने क्या किया, एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ से ले लिया, उसको मैं ब्लू मार्केट से बना रहा हूँ। तो ये मान लो अपना सॉल्यूट वाला मॉलिक्यूल है, है ना, ये एक पैटर्न है, सॉलिड जो भी रहते हैं ऐसे ही अरेंज होते हैं, स्फेरिकल सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर है और उसको हम लोग इस 12th के सबसे लास्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट ही पढ़ेंगे क्योंकि जो है बहुत आसान है, जल्दी से भी क्लियर हो जाता है। तो ये देखो आपका मान लो कि सॉलिड, ये अपना सॉल्यूट एक पार्टिकल है, सॉल्यूट हमने ले लिया और सॉल्यूट का ये सॉल्यूशन हमने पूरा सॉल्यूट को मार्केट से अरेंज करके ला लिया अपने पास। अब हमें क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है। अब ये दोनों को अगर मिक्स करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखो। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग क्या करें कि जितने ही साइज का तुम्हारा ये सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल है, इतने ही साइज का अगर सॉल्यूट हमें मार्केट में मिल जाए तो ये सॉल्यूट क्या करेगा, जब दोनों मिक्स करोगे तो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल को सॉल्यूट क्या कर देगा, रिप्लेस, या क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट, है ना। रिप्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, है ना, मतलब सब्स्टिट्यूशन आप जानते ही होंगे, है ना। मतलब से मान लो कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप अच्छे से बताया कि भाई जैसे मान लो क्रिकेट टीम ले लो, है ना, तो सचिन तब तक टीम से बाहर नहीं गया जब तक विराट कोहली नहीं आया। तो जब तक अच्छा सब्स्टिट्यूशन ना हो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हम लोग। तो ये देखो क्या है कि जो सॉल्वेंट था इतने ही सेम साइज का अगर तुम्हारे पास सॉल्यूट है तो हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा सॉल्यूट यहाँ ले जाके रख देंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जब हम लोग सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट तुम्हारा सॉलिड हो, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा सॉल्यूट ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है तुम्हारा ये भी सॉलिड है, दोनों अगर मिक्स करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बन गई। देखो मैंने बोल दिया एक टाइप का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग, देखो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन की हम लोग जब बात करेंगे इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते रहना। कैसे करना है, देखो जब आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूल
का पार्टिकल का साइज इतना अच्छा हो, इतना मतलब जितना सॉल्व अच्छा क्या जितना सॉल्वेंट का है उतना ही होना चाहिए बस, ऐसे अच्छे का मतलब ये हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। डायग्राम से मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए, ठीक है ना, कि इंटरस्टीशियल आपका जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है ये कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशनल की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये देखो दूसरा वाला जो टाइप है मैं बोल चुका हूँ इंटरस्टीशियल, आपने ध्यान रख दिया होगा। ये मान लो अपना, ठीक है ना, सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल एक लेयर मैंने बना दी, ये सब मान लो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल थे और हमने एक लेयर सॉल्वेंट वाला बना दिया। अब हमें क्या करना था, देखो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल थे इसी में से एक पार्टिकल बहुत बड़ा बन गया, छोटा ही बना देता हूं मैं। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशनल जब पढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशनल देखो क्या करना है, जितने ही साइज का आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है उतने ही साइज का अगर सॉल्यूट हमें मिल जाए मार्केट से, तो हम लोग देखो ब्लैक वाला तुम्हारा क्या है सॉल्वेंट और ये ब्लू वाला क्या है तुम्हारा सॉल्यूट, मान लो इतना बड़ा अपना सॉल्यूट है, तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल को हटाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल को इंसर्ट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक ना। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, अच्छे से इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, मैंने भी देखो बोला था, अब देखो जो सॉलिड होते हैं ना जब आपस में जुड़ते हैं तो तुम्हें भी यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखो खूब अच्छे से स्पेस खाली है ना, ऐसे डॉट डॉट बना दे रहा हूँ मैं, या ऐसे डॉट डॉट बना दो, देखो स्पेस खाली है ना, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं वायर, यानी जो सॉलिड में इम्परफेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वायर। यहाँ अगर ना समझ में आए, छोटा दिख रहा हो आपको तो आप यहाँ बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए मान लो सॉल्यूट आपका जो सॉल्वेंट था वो इतना बड़ा है ना, थोड़ा अच्छा बना दूं मैं, ये मान लो अपना सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल है ना, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, ये मान लो दूसरा वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, दो एक लेयर बनाई थी मैंने, ये देखो एक लेयर मैंने बना दी, तीसरा वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देखो ऐसे बना दूं मैं, तो ये देखो ऐसे टच करता रहेगा आपस में। अब देखो आपको ये गैप नजर आ रहा है ना, ये वाला गैप, ठीक ना, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं वायर, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं वायर, ठीक है ना। जितना भी सॉलिड में इम्परफेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वायर सॉल्यूशन में, सॉलिड वाले चैप्टर में अपन देखेंगे, है ना, इंटरस्टीशियल जो आपका जो वायर है ना, कई सारे टाइप के टेट्राहेड्रल वायर, ऑक्टाहेड्रल वायर, ये सब वहां हम लोग देखा करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगला देखो नेक्स्ट टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन, ये जो वायर है सॉल्यूट आपका ऐसा हो ना इसकी साइज इतनी बड़ी हो कि वायर में जाके फिक्स हो जाए, तो ऐसे टाइप के अब देखो ये इंसर्ट हो रहा है ना इसके इंटरस्टीशियल गैप पे, है ना, या इंटरस्टीशियल साइड पे, इसीलिए हम लोग इस टाइप के सॉल्यूशन को नाम देते हैं। और वो सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, इंटरस्टीशियल सॉल्यूशन, क्या नाम होता है, इंटरस्टीशियल सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और एक होता है इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। आप देखो जरा ध्यान से, मैं इसका भी डायग्राम बना दूं, ये मान लो अपना सॉल्यूट जो सॉल्वेंट था ब्लैक कलर से, सॉल्वेंट देखो ब्लैक कलर से, है ना, सॉल्वेंट देखते रहिए आप ब्लैक कलर से, और ये वाला दूसरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लेयर, ये दूसरी वाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की लेयर हो गई। अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को हम लोग कहाँ इंसर्ट करेंगे, सॉल्यूट को हम लोग इंसर्ट करेंगे इसके इंटरस्टीशियल साइड पे। इंटरस्टीशियल साइड मतलब क्या है, वायर, यानी ये देखो क्या हुआ, जो वायर है यहाँ हम लाके देखो सॉल्यूट भर दिए, यहाँ लाके हम लोग क्या करें देखो सॉल्यूट भर दिए, यहाँ जो खाली गैप था यहाँ लाके हम लोग सॉल्यूट भर दें, यहाँ लाके हम लोग सॉल्यूट भर दें, ये जितना भी गैप है अगर हम लोग सारे ऐसे भर दें, है ना, ऐसे ऐसे भर दिया मैंने, तो आप देखो ध्यान से ये जो सॉल्यूशन था इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड और सॉलिड को जब मिक्स करते हैं, इस टॉपिक से बस इतना ही पढ़ना है, सॉलिड और सॉलिड को जब मिक्स करते हैं तो दो टाइप का सॉल्यूशन बनता है, एक बनता है तुम्हारा, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, और एक बनता है अपना इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एग्जांपल पूछ रहे होंगे ना, दिमाग पूछ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशनल का एग्जांपल बताइए सर, है ना, और आपसे पूछ रहा होगा कि सर जरा जो है आप इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए, तो आप बहुत अच्छे से याद रखते रहिएगा, एनसीईआरटी में दो ही लोगों के नाम है, ठीक ना, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में ये बोलता है ब्रास, ठीक ना, तो ब्रास ब्रोंज, है ना,
सिर्फ ब्रास ही लिखा है लेकिन ब्रोंज भी होती है, आप टेंशन मत लीजिए। तो ब्रास ब्रोंज यानी कॉपर की जो अलॉय होती है ना, अच्छे से याद रखो, वो सब तुम्हारा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल होती है। अब ब्रास भी बहुत सारे लोग को याद होगा शायद, ना याद हो तो आप अच्छे से याद करिएगा, कॉपर प्लस जिंक है ना। ब्रोंज क्या होती है, कॉपर प्लस टिन। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड का सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, ब्रास, ठीक है ना। और जो है इंटरस्टिशियल सॉलिड का सॉल्यूशन का एग्जांपल है टंगस्टन क्लोराइड, अच्छे से याद रखते रहिएगा, ठीक है ना ये लाइन, क्योंकि डेटा है तो आपको नाम याद रखना जरूरी है। टंगस्टन क्लोराइड ये इंटरस्टिशियल, और ये एक ही है इंटरस्टिशियल सॉलिड में, अपनी एनसीईआरटी में एक ही लोग का नाम लिख रखा है भाई, और उसका नाम क्या है, टंगस्टन क्लोराइड। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन ब्रास ब्रोंज है ना इस टाइप से। और जो है अभी एनसीईआरटी में जानी है, सिर्फ डिक्टो डिक्टो पूछेगा, तो आप सीधा सीधा याद रखिए टंगस्टन क्लोराइड क्या होती है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके, ब्रास कॉपर प्लस जिंक टंगस्टन क्लोराइड, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये था सॉलिड और सॉलिड के सॉल्यूशन का टाइप, कितने टाइप का होता है, आई होप क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अब इसके आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपने को पढ़ना है, सॉलिड और लिक्विड को जब हम बनाते हैं, मिक्स करते हैं आपस में, तो जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन को हम लोग नाम देंगे लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। हमेशा याद रखो, लिक्विड अगर कोई भी सोल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट में लिक्विड आया, तो अच्छे से याद रखो कि भाई अगर सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड हो तो जो सोल्यूशन रहेगा वो सोल्यूशन तुम्हारा लिक्विड सोल्यूशन ही बना करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो जो लोग बैच टू में है ना, कंसंट्रेशन टर्म जो वन में था वो मैंने पढ़ाया था, आपके भी क्लास में रिवाइज करा दूंगा, लॉकडाउन खत्म हो जाए दीजिए, बाकी सीट में दे दूंगा, तो आप उसके प्रॉब्लम बनाइएगा, बहुत सारे सॉल्व कर लोगे, आप टेंशन मत लो। और जो नहीं आएगा आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, मैं सारे सॉल्यूशन भेजूंगा। तो अब यहाँ से अपन को ध्यान से, दोनों बैच वाले यहाँ से अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए सबसे पहली चीज, अब हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ये सब हो चुका है। अब हमें पढ़ना है कि हम अगर सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करें तो कितने टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने का अपने पास सबसे आसान तरीका है, ठीक है, एक अच्छे से ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, एक ऐसा ले लिया, ये मान लो इसके अंदर मैंने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अरेंज कर दिए, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आपको पता है सॉलिड को हमेशा हम लोग कैसे मानते हैं, कि सॉलिड के पार्टिकल स्फीयर जैसा होता है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बहुत बचपन से सीखते आ रहे, 9th में भी आप पढ़े थे। तो ये मान लो हमने क्या किया कि सॉलिड का एक सॉल्वेंट ले लिया, और ये सॉलिड सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ये मान लो अपना सॉलिड का एक सॉल्वेंट हो गया भाई, ये सब सॉल्व जो है अपना सॉल्वेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट ले आते हैं मार्केट से, जरा ये मान लो अपना क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है अपना, ठीक है ना। और हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ से ले आते हैं सॉल्यूट, है ना, मार्केट गए और अपने हम लोगों ने क्या किया, एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ से ले लिया, उसको मैं ब्लू मार्केट से बना रहा हूँ। तो ये मान लो अपना सॉल्यूट वाला मॉलिक्यूल है ना, ये एक पैटर्न है, सॉलिड जो भी रहते हैं ऐसे ही अरेंज होते हैं, स्फेरिकल सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर है, और उसको हम लोग इस 12th के सबसे लास्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो है बहुत आसान है, जल्दी से भी क्लियर हो जाता है। तो ये देखो आपका, मान लो कि सॉलिड ये अपना सॉल्यूट एक पार्टिकल है, सॉल्यूट हमने ले लिया और सॉल्यूट का ये सॉल्यूशन हमने पूरा सॉल्यूट को मार्केट से अरेंज करके ला लिया अपने पास। अब हमें क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है। अब ये दोनों को अगर मिक्स करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखो। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग क्या करें कि जितने ही साइज का तुम्हारा ये सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल है, इतने ही साइज का अगर सॉल्यूट हमें मार्केट में मिल जाए, तो ये सॉल्यूट क्या करेगा, जब दोनों मिक्स करोगे तो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल को सॉल्यूट क्या कर देगा, रिप्लेस, या क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट, है ना। रिप्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, है ना, मतलब सब्स्टिट्यूशन आप जानते ही होंगे, है ना, मतलब से मान लो कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप अच्छे से बताया कि भाई जैसे मान लो क्रिकेट टीम ले लो, है ना,
तो सचिन तब तक टीम से बाहर नहीं गया जब तक विराट कोहली नहीं आया। तो जब तक अच्छा सब्स्टिट्यूशन ना हो, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हम लोग। तो ये देखो क्या है कि जो सॉल्वेंट था इतने ही सेम साइज का, अगर तुम्हारे पास सॉल्यूट है तो हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा सॉल्यूट यहाँ ले जाके रख देंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जब हम लोग सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट तुम्हारा सॉलिड हो, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा सॉल्यूट ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट है तुम्हारा ये भी सॉलिड है, दोनों अगर मिक्स करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बन गई। देखो मैंने बोल दिया एक टाइप का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग, देखो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन की हम लोग जब बात करेंगे, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते रहना। कैसे करना है देखो, जब आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूल का पार्टिकल का साइज इतना अच्छा हो, इतना मतलब इतना सॉल्व अच्छा क्या, जितना सॉल्वेंट का है उतना ही होना चाहिए, बस ऐसे। अच्छे का मतलब ये हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। डायग्राम से मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए, ठीक है ना, कि इंटरस्टीशियल जो आपका जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है ये कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशनल की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये देखो दूसरा वाला जो टाइप है मैं बोल चुका हूँ इंटरस्टीशियल, आपने ध्यान रख दिया होगा। ये मान लो अपना, ठीक है ना, सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल एक लेयर मैंने बना दी, ये सब मान लो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल थे और हमने एक लेयर सॉल्वेंट वाला बना दिया। अब हमें क्या करना था, देखो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल थे इसी में से एक पार्टिकल बहुत बड़ा बन गया, छोटा ही बना देता हूँ मैं। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशनल जब पढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशनल देखो क्या करना है, जितने ही साइज का आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है उतने ही साइज का अगर सॉल्यूट हमें मिल जाए मार्केट से, तो हम लोग देखो ब्लैक वाला तुम्हारा क्या है सॉल्वेंट, और ये ब्लू वाला क्या है तुम्हारा सॉल्यूट, मान लो इतना बड़ा अपना सॉल्यूट है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल को हटाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल को इंसर्ट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक ना। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छे से इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, मैंने भी देखो बोला था। अब देखो जो सॉलिड होते हैं ना, जब आपस में जुड़ते हैं तो तुम्हें भी यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखो खूब अच्छे से स्पेस खाली है ना, ऐसे डॉट डॉट बना दे रहा हूँ मैं, या ऐसे डॉट डॉट बना दो, देखो स्पेस खाली है ना। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वायड, यानी जो सॉलिड में इम्परफेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायड। यहाँ अगर ना समझ में आए ना, छोटा दिख रहा हो आपको, तो आप यहाँ बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए मान लो सॉल्यूट आपका जो सॉल्वेंट था वो इतना बड़ा है ना, थोड़ा अच्छा बना दूं मैं। ये मान लो अपना सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल है ना, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, ये मान लो दूसरा वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, दो एक लेयर बनाई थी मैंने, ये देखो एक लेयर मैंने बना दी। तीसरा वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देखो ऐसे बना लूं मैं, तो ये देखो ऐसे टच करता रहेगा आपस में। अब देखो आपको ये गैप नजर आ रहा है ना, ये वाला गैप, ठीक ना, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, वायड। इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, वायड, ठीक है ना। जितना भी सॉलिड में इम्परफेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायर्ड सॉल्यूशन। में सॉलिड वाले चैप्टर में अपन देखेंगे, है ना, इंटरस्टीशियल जो आपका जो वायर्ड है ना, कई सारे टाइप के टेट्राहेड्रल वायर्ड, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, ये सब वहां हम लोग देखा करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगला देखो, नेक्स्ट टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन, ये जो वायर्ड है, सॉल्यूट आपका ऐसा हो ना, इसकी साइज इतनी बड़ी हो कि वायर में जाके फिक्स हो जाए। तो ऐसे टाइप के, अब देखो ये इंसर्ट हो रहा है ना इसके इंटरस्टीशियल गैप पे, है ना, या इंटरस्टीशियल साइट पे, इसीलिए हम लोग इस टाइप के सॉल्यूशन को नाम देते हैं। और वो सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, इंटरस्टीशियल सॉल्यूशन। क्या नाम होता है, इंटरस्टीशियल सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और एक होता है इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। आप देखो जरा ध्यान से, मैं इसका भी डायग्राम बना दूं। ये मान लो अपना सॉल्यूट जो सॉल्वेंट था ब्लैक कलर से, सॉल्वेंट देखो ब्लैक कलर से, है ना, सॉल्वेंट देखते रहिए आप ब्लैक कलर से, और ये वाला दूसरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लेयर, ये दूसरी वाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की लेयर हो गई। अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है,
और सॉल्यूट को हम लोग कहाँ इंसर्ट करेंगे, सॉल्यूट को हम लोग इंसर्ट करेंगे इसके इंटरस्टिशियल साइड पे। इंटरस्टिशियल साइड मतलब क्या है, वाइड, यानी ये देखो क्या हुआ, जो वाइड है यहाँ हम लाके देखो सॉल्यूट भर दिए, यहाँ लाके हम लोग क्या करें देखो सॉल्यूट भर दिए, यहाँ जो खाली गैप था यहाँ लाके हम लोग सॉल्यूट भर दें, यहाँ लाके हम लोग सॉल्यूट भर दें, ये जितना भी गैप है अगर हम लोग सारे ऐसे भर दें, है ना, ऐसे ऐसे भर दिया मैंने, तो आप देखो ध्यान से ये जो सॉल्यूशन था इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड और सॉलिड को जब मिक्स करते हैं, इस टॉपिक से बस इतना ही पढ़ना है, सॉलिड और सॉलिड को जब मिक्स करते हैं तो दो टाइप का सॉल्यूशन बनता है, एक बनता है तुम्हारा ठीक है ना सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और एक बनता है अपना इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एग्जांपल पूछ रहे होंगे ना, दिमाग पूछ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशनल का एग्जांपल बताइए सर, है ना, और आपसे पूछ रहा होगा कि सर जरा जो है आप इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए, तो आप बहुत अच्छे से याद रखते रहिएगा, एनसीईआरटी में दो ही लोगों के नाम है ठीक ना, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में ये बोलता है ब्रास ठीक ना, तो ब्रास ब्रोंज है ना, सिर्फ ब्रास ही लिखा है लेकिन ब्रोंज भी होती है, आप टेंशन मत लीजिए, तो ब्रास ब्रोंज यानी कॉपर की जो अलॉय होती है ना, अच्छे से याद रखो वो सब तुम्हारा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल होती है। अब ब्रास भी बहुत सारे लोग को याद होगा शायद, ना याद हो तो आप अच्छे से याद करिएगा, कॉपर प्लस जिंक है ना, ब्रोंज क्या होती है कॉपर प्लस टिन, तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड का सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा ब्रास ठीक है ना, और जो है इंटरस्टिशियल सॉलिड का सॉल्यूशन का एग्जांपल है टंगस्टन क्लोराइड, अच्छे से याद रखते रहिएगा ठीक है ना ये लाइन, क्योंकि डेटा है तो आपको नाम याद रखना जरूरी है, टंगस्टन क्लोराइड ये इंटरस्टिशियल, और ये एक ही है इंटरस्टिशियल सॉलिड में अपनी एनसीईआरटी में एक ही लोग का नाम लिख रखा है भाई, और उसका नाम क्या है टंगस्टन क्लोराइड, तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन ब्रास ब्रोंज है ना इस टाइप से, और जो है अभी एनसीईआरटी में जानी है सिर्फ डिक्टो पूछेगा, तो आप सीधा सीधा याद रखिए टंगस्टन क्लोराइड क्या होती है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके ब्रास कॉपर प्लस जिंक टंगस्टन क्लोराइड ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये था सॉलिड और सॉलिड के सॉल्यूशन का टाइप, कितने टाइप का होता है, आई होप क्लियर ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अब इसके आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपने को पढ़ना है सॉलिड और लिक्विड को जब हम बनाते हैं मिक्स करते हैं आपस में तो जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन को हम लोग नाम देंगे लिक्विड सोल्यूशन ठीक है, हमेशा याद रखो लिक्विड अगर कोई भी सोल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट में लिक्विड आया तो अच्छे से याद रखो कि भाई अगर सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड हो तो जो सोल्यूशन रहेगा वो सोल्यूशन तुम्हारा लिक्विड सोल्यूशन ही बना करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, चलिए हम लोग देखो नेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ते हैं सॉलिड और लिक्विड में ठीक है ना। तो सॉलिड और लिक्विड में जब सॉल्यूशन बनाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्विबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ठीक ना, मतलब ये समझ लो ये चैप्टर की अब जान है, तो यहाँ से थोड़ा अच्छे से ध्यान में और रखना है। देखिए क्या है कि सॉलिड और लिक्विड को पहले हम लोग अच्छे से याद करो, तो शायद आपको मैंने देखना याद करिए आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था सॉल्विबिलिटी प्रोडक्ट है ना, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सॉल्विबिलिटी क्या होती है ठीक है ना। तो सॉल्विबिलिटी की डेफिनेशन याद होगी आपको ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन डिजॉल्व इन द लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्विबिलिटी, बात क्लियर हो गई ना। तो सॉल्विबिलिटी आपको पता है, इसके बाद हम जो चीजें देखते हैं वो अच्छे से ध्यान में रखे रहना ठीक है ना। तो देखो जितना भी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, जो भी सॉलिड है ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिस भी लिक्विड में कितना डिजॉल्व होता है, लिक्विड में क्या करना है डिजॉल्व कराना है, तो जो ये सॉल्यूशन बनेगा इस सॉल्यूशन को हम लोग नाम क्या देंगे लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि देखो हमने पहले ही बोला था कि जो सॉल्वेंट है ना लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग बना देते हैं सॉलिड इन लिक्विड, का कहने का मतलब ही ये हो गया कि जो आपका सॉलिड है ये सॉलिड आपका किसका काम कर रहा है देखो सॉल्यूट का काम कर रहा है, और जो आपका लिक्विड है ये किसका काम कर रहा है देखो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो सॉलिड है लिक्विड मिला दिया लिक्विड सॉल्यूशन बन गया।
तो अब देखना ध्यान से, जितना भी अमाउंट है ना, ये जो सॉल्यूट है, मैं सीधा सीधा बोलूं, ये जो सॉल्यूट है तुम्हारे पास, यानी ये जो सॉल्यूट और जो तुम्हारा जो सॉलिड है, ठीक ना, इसका अमाउंट मैंने इसे मॉड लगा दिया, इसका अमाउंट कितना लिक्विड में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व होता है, ठीक ना, इसका अमाउंट कितना लिक्विड में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व होता है, ठीक ना, डिसॉल्व एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अच्छे से याद रखे रहना, इसी अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। और वो दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं 100 ग्राम ऑफ द गिवन सॉल्वेंट और लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। चलिए ये डेफिनेशन हो गई, अब कहानी अपने को ये देखनी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को इफेक्ट करते हैं, ये दो चीजें अपने को अच्छे से सीखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग आईडी बनाते, देखना ध्यान से, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं लिक्विड में, ये अपने को अच्छे से याद होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। अच्छा थोड़ी चीज और एक बार थोड़ा रिवाइज मान लो 11 से, तो देखो वहां मैंने आपको बताया था कि भाई दो चीजें याद रखते रहना, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या बोला था, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट के लिए क्या बोला था, अमाउंट ऑफ गैस, याद है ना, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड एज ना सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट, और वो भी है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो थोड़ी बहुत चीजें याद रखे रहना, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं ना तो जो सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट, अब सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट बोलते ही दिमाग में आ जाए कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, तो आपको अच्छे से पता है भाई गैसेस बाहर निकलना चली बाहर निकल जाएंगी, और निकलना अगर शुरू कर जाएंगी तो जो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी थी लिक्विड में क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराओ तो हमेशा डिक्रीज करता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है ना, जो सॉल्युबिलिटी है ये घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, हो सकता है कोई चेंज भी ना हो। तो सॉलिड का जो अमाउंट लिक्विड में डिसॉल्व होता है उस अमाउंट को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, और जो गैस का अमाउंट लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट बोला करते हैं। तो फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सबसे पहली चीज देखो आप याद करिए, मान लो अपने पास एक सॉलिड है, तो सॉलिड जनरली कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड जिस वजह ना आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं उसमें जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं, शायद याद आया हो, याद आया, उस एनर्जी का नाम क्या होता है बोलो, लैटिस एनर्जी, है ना, लैटिस एनर्जी, आयनिक, है ना, आयनिक बॉन्ड के टाइम पे पढ़ा था आपने कि लैटिस एनर्जी कैसे निकालते हैं, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आप लोग प्लीज लैटिस एनर्जी का सारा कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग की कॉपी से रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम लोग 12th में जो भी टॉपिक बोले आप रिवाइज करते रहो, तो अगर ये अभी से करते रहेंगे तो 11th भी तैयार रहेगा और 12th भी अच्छे से तैयार रहेगा। तो जो सॉलिड बनते हैं ना, है ना, केटायन और एनायन के बीच में इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन का फोर्स, और उसमें जो एनर्जी उसको अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अब देखना लैटिस एनर्जी है, और आपको अच्छे से पता है, मान लो हमने जो लिक्विड लिया वो लिक्विड हम लोग ले लेते हैं वाटर, जो लिक्विड है उस लिक्विड को हम लोग क्या ले लेते हैं, वाटर। तो आपको अच्छे से पता है जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व ना हो। कैसे कंपेयर करते हैं, जब इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं याद करिए, उस टाइप की एनर्जी को क्या बोलते थे हम लोग, हाइड्रेशन एनर्जी, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते थे, हाइड्रेशन एनर्जी। ये भी जरा केमिकल बॉन्डिंग कॉपी रिवाइज कर लेना, लैटिस एनर्जी क्या होती है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, कि जितने भी सॉलिड हैं, जिन भी सॉलिड की लैटिस एनर्जी, उस सॉलिड की अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, तो अब देखो अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो जो सॉलिड, जैसे मान लो आपका एक सॉलिड है जिसमें लैटिस एनर्जी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा है, तो ये सॉलिड ब्रेक नहीं होगा, और जब ब्रेक नहीं होगा
तो ये कभी भी सॉल्वेबल नहीं रहेगा। तो जब लैटिस एनर्जी आपका है ना हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, तो आपके वो जो भी सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो आप अच्छे से याद रखो कि वो जो सॉलिड होता है वो सॉलिड कैसा हो जाएगा, इनसॉल्वेबल। तो पहली कंडीशन अगर मैं फैक्टर की बात करूं, तो सबसे पहली चीज ये होनी पड़ेगी कि देखिए भाई, जो लैटिस एनर्जी है सॉलिड का, वो लैटिस एनर्जी हमेशा लेस देन आर इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी होना चाहिए। लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दोनों मैंने लगाया है, इक्वल टू रहता है तो थोड़ी बहुत भी सॉलिडिटी रहती है, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है आपका, अच्छे से याद रखो, ये कंपाउंड आपका, ये जो सॉलिड कंपाउंड है, अगर इसकी लैटिस एनर्जी इसके हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगा, तो हम बोलेंगे कि वो वाला सॉलिड आपका लिक्विड में डिजोल्व करेगा, अदरवाइज आपका लिक्विड में डिजोल्व नहीं करेगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक थी जो आपसे 11th में पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये चीज भी वहां लिखा था, बस डेफिनेशन ऑपनेशन आपने पढ़ी थी जो है जो केमिकल बॉन्डिंग में, कि कैसे लैटिस एनर्जी कैसे हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार और इसको थोड़ा आपको रिवाइज करा दूं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और याद आ जाएंगे आपको। मैंने देखो शायद बताया था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड लिक्विड में डिजोल्व कैसे होता है, और कहां बताया था, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। तो उसको भी थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज मार देता हूं। जैसे मान लो अपने पास AB एक सॉलिड है, ठीक है ना, अपने पास AB एक सॉलिड है, तो हम लोग विज़ुअल कर लेते हैं, AB अपने पास एक सॉलिड है, A इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, B इलेक्ट्रो नेगेटिव है। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, इसको एक सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। अब अगर AB सॉल्वेंट में हमें क्या कराना है, देखो डिसॉल्व कराना है, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि लैटिस एनर्जी जो है तुम्हारा AB का है ना, ये लेस देन आर इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी AB होगा, तभी ये डिसॉल्व करेगा, अदरवाइज ये डिसॉल्व नहीं करेगा। तो हमने मान लिया कि लेट आपका जो AB सॉलिड है डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। और हमेशा याद रखो, सॉल्वेंट ऐसा हमेशा चूज करना है इस प्रोसेस के लिए कि आपका सॉलिड इसमें डिसॉल्व हो जाए। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या होना चाहिए, हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। ये मैं सीधा सीधा बोल दूं कि हाई हाइड्रेशन एनर्जी से अच्छा क्या है कि इसका जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, याद आया होगा मैं वहां बोलता था, ऐसा सॉल्वेंट हमें यूज करना है, हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ऐसा सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना, जिसका हाइड्रेशन, जिसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ेंगे, फिजिक्स में फिलहाल में थोड़ी बहुत डेफिनेशन अपने काम के लिए बता दे रहा हूँ, कैपिटल के से लिखेंगे। और इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसा वर्चू है ना जो लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। मतलब देखो ध्यान से, जैसे तुम्हारे पास AB एक सॉलिड है, AB एक सॉलिड है, A तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, B तुम्हारा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, इसका जो अभियान यहाँ पे फोर्स है तुम्हारा अट्रैक्शन का, ये फोर्स तुम्हारा कैसा है, अट्रैक्शन का। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, सिंपल सा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, विच वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ये क्या करता है, वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है, वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, है ना, इसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वर्चू बाई विच सॉलिड का जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब इस टॉपिक पे आते हैं, जो आपकी अब एनसीईआरटी बोलती है कि ये टॉपिक एनसीईआरटी में तुम्हें पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज अपने को पता होनी चाहिए थी, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। एक चीज और, अब इतना कुछ लिख दिया है तो और आपको बता दूं, तो देखो जैसे ही सॉल्वेंट हम लोग, अब अगर यहाँ देखो सॉल्वेंट, अगर तुम वाटर ले लो, तो सॉल्वेंट अगर मान लो कोई भी लिक्विड है एक्सेप्ट वाटर, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। आपने पढ़ा था ना हाइड्रेशन एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर ये सॉल्वेंट हम लोग ले लेते हैं, अगर वाटर है ना, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलो 81, बताया था ना कैसे याद करना है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना 18, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोले उल्टा कर दो,
तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 81 सॉरी, तो ये हो गया वाटर का डायरेक्टिव कांस्टेंट। अब इतनी चीजें हो गई हैं, तो मान लो बी कर दिया फोर्स, तो आयन अलग हो गया ए प्लस, बी कर दिया फोर्स तो आयन अलग हो गया बी माइनस, तो ए प्लस भी इक्वल्स हो जाएगा और बी माइनस भी तुम्हारा इक्वल्स हो जाएगा। ये इक्वल्स की मीनिंग भी आपको सिखा दूं, है ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा केट आयन ए प्लस है और ये तुम्हारा एन आयन है तुम्हारा बी माइनस। तो होता क्या है, देखो जरा ध्यान से, वाटर जो है, अब वाटर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट होता है। इसका अरेंजमेंट अगर मैं बनाऊं, मान लो ऐसा तुम्हारा वाटर है, तो ये पार्शली पॉजिटिव, ये भी पार्शली पॉजिटिव, और इसके ऊपर कैसा चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज, तो दो नेगेटिव, अच्छा एक ही नेगेटिव दिखा दूं मैं। तो वाटर में देखो पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर इज एन एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, सब जानते हैं आप, एसिड के साथ में बेस का काम, बेस के साथ में एसिड का काम वाटर किया करता है। तो यहां देखो ध्यान से, ये केटायन है ए प्लस एक्वस, इसका मतलब क्या हुआ, वाटर देखो कैसे रंग बदलेगा, वाटर क्या करेगा, ओ को इसके पास भेजेगा और एच को दूर कर देगा, क्योंकि यहां पे पार्शियल नेगेटिव है तो यहां अट्रैक्शन लगा रहे, ओ के पास, ओ पास गया एच दूर गया, ऐसे क्या हो गया, ओ पास गया एच दूर गया, ऐसे देखो क्या हो गया, ओ पास गया और एच देखो दूर हो गया, तो एक टाइप का देखो ये एनवेलप बन गया इसके लिए। ऐसे तुम्हारा एन आयन है, वाटर ने रंग बदला, हाइड्रोजन को पास भेजेगा ऑक्सीजन को दूर भेजेगा, हाइड्रोजन को पास भेजेगा ऑक्सीजन को दूर भेजेगा, हाइड्रोजन को पास भेजेगा ऑक्सीजन को दूर भेजेगा। तो देखो ना क्या हो गया ये सब। अब जैसे देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से फिर से समझा दूं, ये मान लो अपने पास मैं ये मार्कर लिया, ठीक है ना, और ये कैप देखो, जो केट आयन होते हैं वो छोटे होते हैं, जो एन आयन होते हैं वो बड़े होते हैं, दोनों मिक्स कर दिया मैंने, देखो दोनों मिक्स अगर कर दूं मैं, तो ये देखो आपको आवाज सुनाई देगी थोड़ी चटपट की, है ना, तो ये क्या है, लैटिस एनर्जी है। अब हम क्या करें, इसको ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दें, जो सॉल्वेंट क्या करे, इसकी लैटिस एनर्जी को डिक्रीज कर दे, लैटिस एनर्जी को जैसे डिक्रीज करेगा तो देखो क्या होगा, केटायन एनायन अलग, इधर आ गया तुम्हारा केटायन, इधर आ गया केटायन, इधर आ गया एनायन। अब हाथ मान लो मेरा पानी है, तो ये क्या करेगा, देखो ये केटायन और एनायन को दोनों को आपस में कवर कर देगा, इनवेलप बन गया, तब इनवेलप के बाहर आपको पानी नजर आ रहा होगा, यानी मेरा हाथ नजर आ रहा है और ना ही केटायन दिख रहा है और ना ही आपको एनायन नजर आ रहा है। तो ये अगर इनवेलप ना बने ना, तो कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व ही ना करे, ठीक है ना, अच्छे से याद रखते रहना ये सब चीजें, जो अपने को पीछे की चीजें हैं लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग पे रहना जरूरी है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि अपनी एनसीईआरटी इसके अलावा क्या क्या बातें बोलती हैं, ये तो पूरा 11 का था, थोड़ा सा रिवाइज कर दिया मैंने आपका। अब हम लोग आते हैं 12 में, और वो फैक्टर इफेक्टिंग सॉलिड ऑफ सॉल्वेबिलिटी इन लिक्विड को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है तुम्हारा देखो नेचर ऑफ सॉलिड, है ना, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सबसे पहला फैक्टर है कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम लोग को पढ़ना क्या है, नेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, अच्छे से याद रखे रहना, क्योंकि दोनों के नेचर अगर हैं। अब नेचर की बात अगर मैं करूंगा तो तुम अच्छे जान कर याद करो, ठीक ना, नेचर में क्या पढ़ा था हमने, याद करिए, लाइक डिसॉल्व लाइक, बहुत दिन से सीखते चले आ रहे हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थंब रूल, ठीक ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थंब रूल, ठीक है ना। तो थंब रूल का स्टेटमेंट भी आपको पता होगा क्या था, याद करो कि जो पोलर कंपाउंड होता है, जो पोलर कंपाउंड होता है वो डिसॉल्व किसमें होता है, पोलर में, और जो नॉन पोलर होता है, जो नॉन पोलर होता है वो किसमें डिसॉल्व होता है, देखो नॉन पोलर में। तो पोलर पोलर सॉल्वर होता है, नॉन पोलर और नॉन पोलर सॉल्वर होता है। तो पहला फैक्टर यही है नेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड पोलर है, लिक्विड भी पोलर होना चाहिए, सॉल्वेंट अगर पोलर, लिक्विड तुम्हारा नॉन पोलर है तो सॉलिड भी तुम्हारा नॉन पोलर होना चाहिए। तो ये पहला फैक्टर है तुम्हारा सॉलिड ऑफ, है ना, सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है तुम्हारा प्रेशर। तो सॉल्विटी जो है सॉलिड की वो लिक्विड में, ठीक है ना, कैसे घटेगी कि बढ़ेगी कि कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का, अपने को ये देखना है। तो आप देखो बहुत अच्छे से हम लोग लिखते हैं भाई, सॉल्यूट अपना क्या है सॉलिड, सॉल्वेंट अपना क्या है लिक्विड। अब जरा पहले इन दोनों पे तो देख लिया जाए ना कि सॉलिड और लिक्विड पे
प्रेशर का इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जब इन पे इफेक्ट आएगा तभी इसके सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में इफेक्ट आएगा, अदरवाइज इन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब बहुत अच्छे से आप जानते हो कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, देखो हाईली है ना इनकम्प्रेसिबल है ना, ये आपके कंप्रेसिबल ही नहीं होते हैं, इसको आप दबा थोड़ी सकते हैं ना भाई, पढ़ा होगा 9th 10th में, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये उतने तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं लिख दिया कि ये भाई कंप्रेसिबल होता है। तो अब देखो जो प्रेशर का इफेक्ट है सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लिक्विड पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो ओवरऑल हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड की सॉल्विलिटी लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ठीक ना ऑन द सॉल्विलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ठीक ना, ये सेकेंड फैक्टर हो गया। और तीसरे फैक्टर पे आइए, तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा करता है, और वो फैक्टर है तुम्हारा देखो टेम्परेचर का फैक्टर। तो तीन फैक्टर मैंने पहले बोले थे आपको कि आपको तीन फैक्टर याद करना है सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो पहला था क्या तुम्हारा ठीक है ना, फर्स्ट फैक्टर था अपना याद करो नेचर, सेकेंड था प्रेशर, और थर्ड वाला फैक्टर क्या हो गया अपना टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की कहानी ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से फिर से देखिए, तो ये सॉलिड को जब हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं ठीक ना, लिक्विड में डिजॉल्व हो गया तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जो सॉल्वेंट है तुम्हारा, सॉल्वेंट है तुम्हारा लिक्विड, और जो सॉल्यूट है वो तुम्हारा कैसा है जो है सॉलिड है ना, तो जो सॉल्यूट है ये अपना है सॉलिड, दोनों मिक्स करेंगे सॉल्वेंट लिक्विड है कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन तुम्हें अच्छे से पता है सॉल्यूशन कैसा बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है ये फ्लूइड में सेम रखते हैं। अब इनके फैक्टर की अपन बात करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ साइन कैसे बनाया है रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा या टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा। याद करिए जरा केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ली चैटलियर प्रिंसिपल, क्या पढ़े थे हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो उस चीज को मैं जरा यहां समझाता हूं तो बहुत अच्छे से आपको और समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए जरा ध्यान से हम लोग क्या करते हैं ठीक है ना, सॉलिड वही इक्विलिब्रियम फिर से लिख देता हूं मैं, सॉलिड प्लस इधर मैंने देखो क्या कर लिया है देखो लिक्विड, और इधर हम लोग क्या बना लेते हैं देखो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड है इधर लिक्विड है और इधर अपने लिए क्या बन गया देखो लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब देखना ध्यान से जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो फॉरवर्ड वाला रिएक्शन है इस फॉरवर्ड वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसॉल्यूशन, क्या बोलते हैं डिसॉल्यूशन ठीक है ना, यानी जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो लिक्विड सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड में क्या करता है डिसॉल्व करता है, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे डिसॉल्यूशन ठीक है ना। और जो बैकवर्ड वाली रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में अगर याद करो है ना, लिक्विड सॉल्यूशन से अगर सॉलिड को अलग करना है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम लोग सॉलिड और लिक्विड डिसॉल्व करेंगे तो दो रिएक्शन एक साथ में होती है, फॉरवर्ड वाली डिसॉल्यूशन और बैकवर्ड वाली क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हीट एक्सचेंज करेगी, तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस हीट दोनों लिख दे रहा हूँ ठीक है ना, मतलब हो सकता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और हो सकता है ये रिएक्शन इंडोथर्मिक हो, बात क्लियर हुई ना, याद करो प्लस माइनस हीट। तो हम लोग प्लस माइनस हीट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लोग अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन यहाँ प्लस माइनस हीट हुआ तो मैं बोल सकता हूँ भाई इसकी इंथैल्पी हम लोग लिख सकते हैं, तो इंथैल्पी लिखने का मतलब आपको अच्छे से पता है या तो इंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो होगी पॉजिटिव, या तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इससे लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा लेस देन जीरो यानी निगेटिव। तो हम देखो कैसे इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, मान लो ठीक है ना कि जो ये रिएक्शन है पहला पार्ट देखना ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं मैं छोटा छोटा लिख दूं, देखो सॉलिड है लिक्विड है रिएक्शन आप जान ही रहे हैं ठीक ना, और ये बन गया तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन बन के यहाँ देखो क्या लिख दिया मैंने प्लस हीट, मतलब ऐसा सॉलिड है जब हमको लिक्विड में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो रिएक्शन कैसी हो जाती है एक्सोथर्मिक, रिएक्शन कैसी हो जाती है एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक मतलब प्लस हीट, अब प्लस हीट जैसे यहाँ लिखा था मुझे इंथैल्पी पूछे तो इंथैल्पी यहाँ प्लस हो तो अच्छे से आपको बहुत सिखाया हूं मैं, प्लस हो तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा निगेटिव। अब जरा ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओ, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल देखो हम लोग क्या पढ़ते थे कि टेम्परेचर बढ़ाओ है ना तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होता था ऐसे लाइन खींचते थे, ये वाला साइन यहाँ लाके इसके ऊपर कॉपी कर देते थे देखो ये वाला
ये वाला साइन कॉपी कर दिया इधर, तो आपको देखो रिएक्शन किधर चली जा रही है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली, इधर गई बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हो गया कि जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है वो इंक्रीज कर गया, क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज कर गया, यानी ये रिएक्शन किधर आ गई बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन आ गई तो अब बताओ जरा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और जो लिक्विड में थी वो घट गई कि बढ़ गई, समझ में आ गया ना। तो क्या हो गया, देखो रिएक्शन इधर आ गया तो जो सॉलिड डिजोल्व कर रहा था वो डिजोल्व नहीं करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे सॉलिड, ठीक ना, जिनकी सॉल्युबिलिटी, जिनका लिक्विड में जब डिजोल्व करते हैं और डिजोल्व करने के बाद रिएक्शन एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकले, है ना, जैसे देखो आपने पढ़ा होगा लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डालो तो खूब ढेर सारी हीट निकलती है, तो रिएक्शन क्या होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच क्या हो गया, लेस देन जीरो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाएगा अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, ये वाला सिंबल यहाँ कॉपी कर दो, ठीक है ना, तो रिएक्शन किधर चली जाएगी बैकवर्ड। यानी एक केस मिल गया अपने को कि ऐसे सॉलिड जिनकी सॉल्युबिलिटी है ना, जिनपे जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करो तो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होगी तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी डिक्रीज कर जाएगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसी टाइप के सोल्यूशन को ऐसे बी में कर देता हूं, मान लो मैंने सॉलिड और लिक्विड को मिलाया, लिक्विड सोल्यूशन बना और यहाँ जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, हम लोग क्या करते हैं मान लो यहाँ हीट आपकी इन्वॉल्व हो रही है, मतलब हम लोग हीट देंगे तब कहीं ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा, तो इस वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे इंडोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन फिर तुम्हें पता ही है, अगर माइनस हो तो इधर क्या कर देना है ग्रेटर देन जीरो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, देखो इस वाले सिंबल को यहाँ कॉपी कर दो तो आपको बहुत अच्छे से पता है रिएक्शन किधर चली गई, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब बोलो क्या डिजोल्यूशन वाला जो रिएक्शन है वो क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा, डिजोल्यूशन बढ़ गया तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी। तो टेम्परेचर के इफेक्ट में दो पार्ट हो गए, देखो अगर हम लोग सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करें रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड यानी क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाता है सॉल्युबिलिटी घट जाती है, और दूसरे में पढ़ा ऐसे सॉलिड को लिक्विड में मिलाओ रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक हो तो डेल्टा एफ ग्रेटर देन जीरो टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होगा ये साइन यहाँ कॉपी करो रिएक्शन किधर चली गई फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाने का मतलब डिजोल्यूशन बढ़ गया, डिजोल्यूशन बढ़ने का मतलब क्या हो गया सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई। तो ये दो टाइप के हो गए, हो सकता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाए, हो सकता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाए, डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन किस नेचर की है। और तीसरा फैक्टर देखो, तीसरा भी टेम्परेचर का, अगर मान लो तुम्हारे पास हम लोग सॉलिड और लिक्विड मिलाए और रिएक्शन में कोई हीट एक्सचेंज ना हो, रिएक्शन में क्या हो कोई हीट एक्सचेंज ना हो तो टेम्परेचर का इस रिएक्शन पे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब जो भी रिएक्शन ऐसी हो जब सॉलिड को लिक्विड में आप मिलाइए उसमें कोई टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा एक्सोथर्मिक होगी तो रिएक्शन किधर जाएगी बैकवर्ड जो एक केस में पढ़ा था, और जब रिएक्शन तुम्हारी इंडोथर्मिक होगी तो रिएक्शन किधर चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये ट्रिक याद रखते रहना, यहाँ पे माइनस हीट और डेल्टा एच कैसे लिखेंगे निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, टेम्परेचर बढ़ाओ रिएक्शन कैसे शिफ्ट होगी सिंपल सा लाइन खींचना है, ये वाला सिंपल यहाँ लाके कॉपी कर देना है तो रिएक्शन किधर चली जाएगी देखो बैक जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड अगर गया तो डिजोल्यूशन बढ़ गया, डिजोल्यूशन बढ़ गया सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, डिजोल्यूशन घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी,